अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कल हम लोगों ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। इस नेटवर्क के बारे में बताना चाहूंगा और क्या इसमें अभी तक निकल के आया और आगे इसमें क्या जांच होने वाली है, मैं कोशिश करूंगा आपको इसके बारे में ब्रीफ करूं। कुछ ऐसे नेटवर्क्स चल रहे हैं, जैसे कि सिम बॉक्स का एक नेटवर्क है जो दिखता है टेलीकॉम फ्रॉड, लेकिन उसके अंदर ISI और जासूसी वाली कार्रवाई उसमें की जाती है। उसी तरीके से एक नेटवर्क ये इलीगल मनी सप्लाई का डिटेक्ट किया गया और उसको डेवलप किया गया और कल उससे संबंधित गिरफ्तारियां की गई हैं। अभी तक की जांच से ये स्पष्ट हुआ है कि पाकिस्तान बेस्ड कुछ व्यक्ति यूपी में और एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में है, उनको लगातार फ़ोन करते हैं और उनसे दो बातें कहते हैं। एक कि आप फेक KYC यानी फर्जी नाम से बैंक अकाउंट खोलिए और हम आपको बताएंगे उसका क्या करना है। दूसरा, वो बताते रहते हैं कि इस अकाउंट में पैसा डालो या कैश निकालो और कहीं पैसे को पहुंचाओ। सो इस पे जब जांच की गई तो पुष्टि इसकी हुई। बैंक अकाउंट के जो हमने इवेल्युएट किया तो करीब 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन इसमें दिखा और इस पूरी पुष्ट जानकारी के साथ में कल 4 शहरों में दबिशें दी गई, तलाशी ली गई और पूछताछ और डेटा डिजिटल मीडिया के डेटा इवेल्युएशन के बाद में 10 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। जो अभी तक दिख रहा है वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा और जो आगे जांच में हो सकता है उसके बारे में कुछ इशारा करना चाहूँगा। अभी तक ये एक इलीगल मनी फ्लो का रैकेट है जिसमें कि नेपाल, पाकिस्तान और कतर 3 कंट्रीज से मनी फ्लो हुआ है, लेकिन जो कंट्रोल है वो पूरा पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स द्वारा इसमें किया जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है